तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो के अंदर। दोस्तों एसएससी जेडी का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, फिजिकल भी आपका बहुत जल्द होने वाला है और काफी बच्चों के बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाएंगे। जिनों बच्चे ने अच्छे नंबर लेके आए होंगे एग्जाम में, फिजिकल में जो अच्छे नंबर लेके आएगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा एसएससी जेडी में 2024 के अंदर। पर काफी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, पर वो बच्चों का जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की होगी पिछले साल से लेके। वो पिछले साल भर्ती नहीं हो पाए पर उन्होंने वहां से लेके अभी जो नई भर्ती हुई है आपकी फरवरी में, तो उन्होंने तब तक बहुत मेहनत की होगी और वो इस बार उनका सिलेक्शन हो जाएगा। पर काफी नए बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, काफी नए बच्चों का दिल टूटेगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बात बता देता हूँ, देखो सिलेक्शन वो नहीं बच्चों का होता है जो लगातार मेहनत करता है। जिनका एक बार दो बार सिलेक्शन नहीं हुआ होगा पहले, तीसरी बार उनका सिलेक्शन हो जाता है क्योंकि उनको पता है मेरा फर्स्ट टाइम सिलेक्शन नहीं हुआ था। उनको पता है मैं पिछली जब मैंने फर्स्ट बार एग्जाम दिया था मैं पास नहीं हुआ था, जब वो फेल हो गया था, लिस्ट में नाम नहीं आया था, तो उसको दुख इतना हुआ था कि उसने ठान लिया था कि जो नेक्स्ट एसएससी जीडी की भर्ती आएगी मुझे उसमें सिलेक्शन लेना तो लेना है। बस उसने अपना एक लक्ष्य बनाया, उस लक्ष्य पे वो चलता रहा। आखिर में अभी रिजल्ट आने वाला है, इस बार उसका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। पर कई बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं उनको आज मोटिवेट कर देता हूं। देखो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा एसएससी जेडी में, रिजल्ट के अंदर नाम नहीं आएगा, अगर रिजल्ट के अंदर आपका नाम नहीं आया लिस्ट में तो आप फिजिकल के लिए नहीं जा सकते। एग्जाम में आपके नंबर कम होंगे, आपका नाम नहीं आ सकता लिस्ट के अंदर, ठीक है। देखो अगर आप चाहते हो मुझे एसएससी जेडी के अंदर 2024 के अंदर भर्ती होना है, 2024 या 2025 तक आपको ठान लो आपको भर्ती होना है एसएससी जेडी के अंदर, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सीएसएफ हो, कोई भी फोर्स में आपको जाना है, आपका ड्रीम है, तो मैं आपको बता देता हूँ एसएससी जेडी की न्यू वैकेंसी आ रही है अगस्त महीने, ठीक है। एसएससी जेडी की न्यू वैकेंसी आ रही है अगस्त महीने, वैकेंसी टोटल कितनी है वो अभी पता नहीं चला, पर हमको डाटा के अनुसार पता चला है आपके जो एसएससी जेडी के अगस्त महीने जो फॉर्म भरे जाएंगे, वो जो फॉर्म भरे जाएंगे आपको 27 अगस्त से लेके 27 सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, एक महीना आपके फॉर्म भरे जाएंगे। आपका जो एग्जाम होगा एसएससी जेडी का अगस्त महीने के बाद जो फॉर्म डालेंगे उसका जो एग्जाम होगा वो होगा दिसंबर या फिर 2025 में जनवरी महीने में। अगर आप चाहते हो, अगर आप इस बार भर्ती नहीं हुए तो आप आज से ही तैयारी करना चालू कर दो एग्जाम के लिए अगस्त महीने में जो भर्ती आएगी एसएससी जेडी की, ठीक है। तो अगर आपका दिल टूटता है, आपका अगर रिजल्ट में नाम नहीं आता तो हार नहीं माननी मेरे दोस्त, बस तैयारी करते रहो। जब आपका रिजल्ट आएगा आप रिजेक्ट हो जाते हो, आपका लिस्ट में नाम नहीं आता, तब से ही तैयारी करना चालू कर देना क्योंकि एग्जाम क्लियर करोगे तभी तो आगे जा पाओगे आप। अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आप फिजिकल में भी नहीं जाओगे, मेडिकल में भी नहीं जाओगे, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा दोस्तों, ठीक है। बस तैयारी करते रहो, अगस्त महीने नहीं वैकेंसी आ रही है एसएससी जेडी की, वैकेंसी टोटल पोस्ट कितनी है वो अभी पता नहीं चला है, बट इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे 27 अगस्त से लेकर 27 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखना, बस अपनी तैयारी कर लो आप जितनी आपसे तैयारी होती है। इस बार आप अगर ढीले पड़ गए हो, तैयारी नहीं कर पाए इतने अच्छे से, पर नेक्स्ट टाइम आपने कसम खा लेनी है कि मुझे इस बार 2024 के अंदर सिलेक्शन लेना तो लेना है एसएससी जेडी के अंदर, ठीक है दोस्तों, क्योंकि सब कुछ लक्ष्य के साथ होता है और प्लानिंग के साथ होता है, ठीक है दोस्तों। तो बस प्लान आज से बनाना शुरू कर दो। अगर आपको लगता है मेरे एसएससी जेडी में बहुत नंबर कम आए हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो आज से तैयारी करना चालू कर दो, अगस्त महीने नई भर्ती आ रही है एसएससी जेडी की, ठीक है दोस्तों। आज के लिए वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।